रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, न्यूमेरिकल्स. सो फर्स्ट सेट सम नॉमेनक्लेचर. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू होता है, इट इज डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द ऑब्जेक्ट, उसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू बोलते हैं. नेक्स्ट इज इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस इज वी, इट इज अगेन डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द इमेज. एंड फोकल लेंथ भी डिनोट बाय छोटा एफ, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू होता है, इमेज डिस्टेंस वी होता है एंड फोकल लेंथ छोटा एफ. एवरीथिंग इज लोअर केस. रिमेंबर पहले ऑब्जेक्ट होता है उसके बाद ही इमेज बनेगा, तो कैपिटल अल्फाबेट्स में पहले यू आता है, मतलब पहले ऑब्जेक्ट होगा फिर ही इमेज आएगा. तो इस तरीके से तुमको याद रखना है दैट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज यू, इमेज डिस्टेंस इज वी एंड फोकल लेंथ इज एफ. नाउ द फॉर्मूलाज, फॉर्मूलाज कौन सा है? मिरर फॉर्मूला है. फर्स्ट, वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ, वेर वी इज इमेज डिस्टेंस, यू इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड एफ इज फोकल लेंथ. और मैग्निफिकेशन, तुम्हारे बुक में कैपिटल एम दिया है तो वी यूज कैपिटल एम. कैपिटल एम का फॉर्मूला क्या है? हाइट ऑफ इमेज एच टू, हाइट ऑफ इमेज कौन से लेटर से डिनोट करते हैं? एच टू. एंड हाइट ऑफ इमेज छोटा छोटा एच वन. ओके, सो हाइट ऑफ इमेज इज एच टू, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज एच वन. तो वी कैन राइट एच टू माइनस एच टू अपॉन एच वन. या एक दूसरा फॉर्मूला भी है, माइनस वी अपॉन यू. एंड यू नो वी क्या है? इमेज डिस्टेंस. यू क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ओके, सो लेट्स रिवाइज अगेन. वी इमेज डिस्टेंस, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एच टू, एच टू इमेज का हाइट, हाइट ऑफ इमेज, एच वन ऑब्जेक्ट का हाइट. तो फॉर्मूला क्या होगा? एम इज इक्वल टू एच टू अपॉन एच वन इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू. तो ये फॉर्मूला है, बस दो ही फॉर्मूला लर्न करने. वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ. एन एम इज इक्वल टू एच टू अपॉन एच वन इज इक्वल टू माइनस, नहीं भूलना है, माइनस वी अपॉन यू. ओके, सो फॉर्मूला हो गए. नाउ अभी नॉमेनक्लेचर, ठीक है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है रूल्स. ये मेरा कॉनकेव है मिरर. कॉनकेव मिरर में ना जो भी चीज़, अभी हमारा नॉमेनक्लेचर क्या बोलता है, जो भी चीज़ लेफ्ट में होगी इज नेगेटिव. ओके, सो फर्स्ट रूल क्या है? यू जो है ना, यू डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव. तो अगर तुम्हारे क्वेश्चन में दिया है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 15 है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर 15 दिया है, तो याद रखने का यू हमेशा क्या होता है? नेगेटिव होता है. तो सिर्फ 15 नहीं लिखने का, तुमको लिखना है माइनस 15, बिकॉज यू नो कि यू है ना ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा माइनस होता है. तो भले तुम यहाँ पे देख लो या यहाँ पे देख लो, रेड में दिया है, जो भी चीज़ रेड में दी है वो नेगेटिव है. ओके, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है. फर्स्ट रूल, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव. क्यों? बिकॉज साइन कन्वेंशन के हिसाब से जो चीज़ लेफ्ट में होती है उसको नेगेटिव साइन आता है. ये हमारा साइन कन्वेंशन हमने किया था, जो चीज़ लेफ्ट में होती है वो नेगेटिव होती है, जो चीज़ राइट में होती है वो पॉजिटिव होती है. जो डिस्टेंस ऊपर मापते हैं हाइट, वो प्लस में है, प्लस में होता है. जो चीज़ नीचे आती है, इन्वर्टेड आती है, वो नेगेटिव होती है. ओके, सो रिमेंबर दैट. ना रिमेंबर दैट फर्स्ट रूल क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा. सेकेंड, फोकल लेंथ होगा ना. सेकेंड, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होता है और कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है. ओके, क्यों? क्योंकि कॉनकेव मिरर का फोकस है ना, क्योंकि कॉनकेव मिरर का जो फोकस होता है ना वो मिरर के आगे होता है. ठीक है, मिरर के आगे होता है, तो कॉनकेव मिरर का फोकस मिरर के आगे होगा, मतलब मिरर के लेफ्ट में हुआ. और तुमको पता है साइन कन्वेंशन के हिसाब से जो चीज़ लेफ्ट में होती है वो नेगेटिव होती है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर का राइट में है देखो, और हमारे साइन कन्वेंशन के हिसाब से जो चीज़ राइट में होती है वो पॉजिटिव होती है. इसलिए कॉनकेव का होता है नेगेटिव और कॉन्वेक्स का होता है पॉजिटिव. कॉन्वेक्स का होता है फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉनकेव का होता है फोकल लेंथ नेगेटिव. ओके, नाउ कभी भी रियल इमेज हुई ना, अगर तुमको रियल इमेज मिलती है, रियल इमेज यानी ओके, अगर मिरर के आगे इमेज बनी हो तो वी नेगेटिव होता है, अगर वर्चुअल इमेज होती है तो वी पॉजिटिव होता है. ऐसे याद रखने का, वर्चुअल वी इज पॉजिटिव, रियल इज नेगेटिव. ओके, ये वर्चुअल इमेज की बात चल रही है इसलिए वी यूज कर रहे हैं. नाउ लास्ट रूल, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है, अगर एम की वैल्यू, बड़ा एम की वैल्यू जो है
वो पॉजिटिव आया है, मतलब हमारा इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट है। अगर बड़ा एम का वैल्यू नेगेटिव आया है तो हमारा इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है। दिस ऑल रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सम्स। ओके, अगर सम का आया, सम में आया मैग्निफिकेशन 4 और क्वेश्चन पूछा है उसका नेचर क्या है, तो याद रखना चाहिए कि हाँ ये तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव यानी ये तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। अगर ये समझो -4 आता और क्वेश्चन में पूछा है कि चलो इफ एम इज -4 व्हाट इज द नेचर, 1 मार्क का क्वेश्चन आया, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, तो नेगेटिव है, तो यू टू अंडरस्टैंड इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। नेगेटिव रियल एंड इन्वर्टेड, पॉजिटिव वर्चुअल एंड इरेक्ट। सो लेट्स रिवाइज द रूल्स वंस। यू नेगेटिव होता है हमेशा, फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर का दिया, फोकल लेंथ इज 15, तो 15 कभी नहीं लिखने का, -15 लिखने का, बिकॉज कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होता है, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है। कॉनकेव का नेगेटिव होता है, कॉन्वेक्स का पॉजिटिव होता है। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया तो इमेज होती है वर्चुअल इरेक्ट, मैग्निफिकेशन नेगेटिव आया तो इमेज होता है रियल इन्वर्टेड। ओके लेट्स स्टार्ट, थोड़े सम्स करेंगे तो ज़्यादा आइडिया आएगा। चलो फॉर्मूलाज ऑलरेडी तुमको दे के रखे मैंने। नाउ राजश्री वॉन्ट्स टू गेट एन इन्वर्टेड इमेज। तो राजश्री को क्या प्रॉब्लम है, उसको क्या चाहिए, उसको इन्वर्टेड इमेज चाहिए। इन्वर्टेड यानी उल्टा, उल्टा मतलब इमेज कहाँ होगा, नीचे होगा। और तुमको पता है नीचे वाली जो इमेज होती है उल्टी होती है, तो वो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन क्या होता है, जो नीचे होता है इन्वर्टेड होता है उसको क्या साइन देते हैं, नेगेटिव देते हैं। तो ये जानबूझ के ऐसे वर्ड्स देते हैं इन्वर्टेड। ओके, ताकि तुमको याद रखना चाहिए कि हाइट तुमको नेगेटिव लेना है, अगर हाइट नेगेटिव नहीं लिया तो पूरा सम मिलेगा 0। ओके, सो राजश्री वॉन्ट्स टू गेट एन इन्वर्टेड इमेज। ओके नाउ इन्वर्टेड इमेज, इमेज का कौन सा लेटर है, इमेज मतलब क्या होता है, H2 होता है, इमेज यानी H2 होता है। देखो ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को H1 बोलते हैं, हाइट ऑफ इमेज को H2 बोलते हैं, ठीक है। तो मुझे पता चला कि उसको H2 है ना, वो कितना है 5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज, हाँ हाइट ऑफ इमेज अगर कहीं कहीं 7 दिया है, कहीं कहीं 5 दिया है, तो आई एम टेकिंग 7 सेंटीमीटर। ओके ओके आई एम टेकिंग 7 सेंटीमीटर। वेट, इन टेक्स्ट बुक इट इज 5। ओके लेट्स टेक 5 सेंटीमीटर। ओके लेट्स टेक इट एज 5 सेंटीमीटर। तो आई हैव टेकन इन्वर्टेड इमेजेस 5 सेंटीमीटर, बट विल आई राइट 5 सेंटीमीटर, नो आई विल राइट इट एज -5। माइनस क्यों लिखूंगी, बिकॉज वो इन्वर्टेड है तो साइन नहीं भूलना है। रजिस्ट्री वॉन्ट्स टू गेट एन इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड यानी उल्टा, तो मुझे पता है साइन कन्वेंशन के हिसाब से माइनस साइन आएगा। ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर, मतलब ऑब्जेक्ट है ना कॉनकेव मिरर से कितनी दूर है, 30 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट दूर है, तो ये डिस्टेंस कितना है 30 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट कितना दूर है, यू कितना है 30। बद याद रखने का, यू इज ऑलवेज नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, तो -30 लेने का। सो वॉन्ट्स टू गेट एन इन्वर्टेड इमेज ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर मुझे पता है कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होता है। तो पहले कैसे लिख देने का, हाँ फोकल लेंथ नेगेटिव, मतलब तो फोकल लेंथ ऑफ द मिरर कितना है 10 सेंटीमीटर। अभी यहाँ पे तुम लोगों ने पर प्लस 10 ले लिया तो पूरा मार्क्स गया, ठीक है। इसमें साइन का ही मेन प्रॉब्लम है, साइन ध्यान रखना है तुमको। फोकल लेंथ कितना है इस माइनस, तो -10 सेंटीमीटर लिया है बिकॉज इट इज अ कॉनकेव मिरर, एंड आई नो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ इज नेगेटिव। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड शी प्लेस द स्क्रीन, ओके तो मतलब मुझे क्या ढूंढना है, एक्चुअली मुझे वी ढूंढना है कि वी इमेज कितना कहाँ पे आएगा, कितनी दूर आएगा ताकि वो स्क्रीन रखे और स्क्रीन पे उसको इमेज दिखे, तो मुझे वी ढूंढना है। व्हाट विल बी द टाइप ऑफ द इमेज, टाइप यानी नेचर वगैरह ढूंढना है, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब H1 ढूंढना है, मतलब बेसिकली सब ढूंढना है। तो H2 दिया है तो H1 ढूंढना है, U दिया है तो V ढूंढना है, फोकल लेंथ दे के रखा है। चलो तो हमारा 2 ही फॉर्मूला है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं है, दोनों में से एक तो यूज करना ही है। तो चलो पहले क्या यूज करेंगे, पहले हम लोग ये यू है मेरे पास, एफ है, तो पहले वी ढूंढ लेते हैं। कैसे वी ढूंढेंगे, लेट्स सी।
तो व्हाट इज द फॉर्मूला आई विल बी यूजिंग, वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ। हाँ मेरा वी कितना है मुझे पता नहीं है, तो चलो मैं ऐसे लिखूँ वन अपॉन वी इज इक्वल टू वन अपॉन एफ माइनस, ये इधर प्लस साइन उधर आ गया तो माइनस वन अपॉन यू हो गया। तो वन अपॉन एफ, एफ कितना दिया है, एफ माइनस टेन मत भूलना, हाँ माइनस टेन है, माइनस वी की वैल्यू तो पता नहीं है और यू की वैल्यू भी माइनस है। ओके ना ये माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो राइट वन अपॉन माइनस टेन प्लस वी अपॉन थर्टी। ओके सो कैन आई राइट इज वन वी, अभी उसको एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं तो कितना होगा, थर्टी होगा, तो टेन थ्री जा थर्टी प्लस थर्टी वन जा थर्टी, ये माइनस थ्री आएगा और ये थर्टी हो गया। ओके नाउ माइनस थ्री प्लस वन कितना होता है, माइनस थ्री प्लस वन इज माइनस टू अपॉन थर्टी इज इक्वल टू वन अपॉन क्या है वी है, नाउ टू वन जा टू फिफ्टीन जा वन अपॉन वी इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन फिफ्टीन, तो इन्वर्ट एंड उल्टा कर दो, उल्टा करेंगे तो वी का वैल्यू मिल जाएगा, देयरफॉर वी इज इक्वल टू माइनस फिफ्टीन सेंटीमीटर। ओके तो आई गॉट वी इज इक्वल टू माइनस फिफ्टीन सेंटीमीटर, तो माइनस ओके तो उसको कितना दूर रखने का पड़ेगा, राजश्री हैज टू प्लेस द स्क्रीन 15 सेंटीमीटर, लेकिन वी की वैल्यू नेगेटिव है तो इसलिए टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। ओके टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर बिकॉज डिस्टेंस नेगेटिव है, नेगेटिव है मतलब वो मिरर के लेफ्ट साइड में है, तो ये भी बताना है कि उसको कहाँ पे रखना है। नाउ नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड इज एच वन, एच वन कैसे निकालेंगे, नाउ एम इज इक्वल टू आई नो इज इक्वल टू एच टू अपॉन एच वन। ओके नाउ मैग्निफिकेशन एन इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, अभी एम तो मुझे पता नहीं है, आई डोंट नो एम, आई डोंट नो एम। ओके सो आई हैव टू डू एच टू एंड एच वन, तो एच टू, एच टू पता नहीं है कितना है, एच टू पता है हमको, लेट्स सी, यस आई नो एच टू कितना है बट मुझे एच वन पता नहीं है, मुझे एच वन पता नहीं है, तो एच टू इंटू यू इंटू यू माइनस वी इज इक्वल टू एच वन। ओके इज इक्वल टू एच वन, नाउ एच टू इज हाउ मच, एच टू आई हैव सीन इट, सो लेट्स सी इट्स माइनस फाइव, माइनस साइन नहीं भूलना है, यू की वैल्यू भी माइनस थर्टी है। ओके एंड वी की वैल्यू क्या आया, वी की वैल्यू माइनस आई है, वी की वैल्यू इज माइनस फिफ्टीन, भूलना नहीं है माइनस साइन, इज इक्वल टू एच वन। सो लेट्स फाइंड आउट नाउ माइनस फाइव इंटू माइनस थर्टी, ठीक है चलो मैं इधर ही कैंसिल, फिफ्टीन वन ज़ा फिफ्टीन, माइनस माइनस प्लस हो गया, फिफ्टीन टू ज़ा थर्टी, ठीक है ना, माइनस फाइव माइनस टू कितना होता है, प्लस टेन हो गया और ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया, तो टेन हो गया एंड ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया, तो फाइव टू ज़ा टेन हो गया, तो फाइव टू ज़ा टेन, तो आई विल गेट एच वन एज टेन सेंटीमीटर, आई एम गेटिंग एच वन एज टेन सेंटीमीटर। ओके सो आई हैव गॉट द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज टेन सेंटीमीटर। ओके नाउ द इमेज विल बी रियल एंड डिमिनिश्ड, कैसे पता चला रियल एंड डिमिनिश्ड, ओके हाउ डू आई नो इट इज रियल एंड डिमिनिश्ड, एच टू कितना था, अगर छोटा है तो कैसे पता चलेगा रियल एंड डिमिनिश्ड, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी थी, ऑब्जेक्ट की हाइट है 10 सेंटीमीटर, एच वन यानी ऑब्जेक्ट का हाइट है 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर का है, बट मेरा इमेज कितना है, इमेज कितना है, इमेज का हाइट कितना, माइनस फाइव है। ओके तो इमेज का हाइट माइनस फाइव है, तो मुझे पता चलता है कि हाँ ये तो छोटा हो गया मेरा ऑब्जेक्ट,
ओके. नाउ माइनस साइन इंडिकेट्स इट इज इन्वर्टेड ऑल्सो. हाइट अगर माइनस में है तो इन्वर्टेड, तो आई नो इट इज रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड. तो नेचर कैसे पता करने का, डिमिनिश कैसे पता चला कि ऑब्जेक्ट का हाइट तो एच वन 10 सेंटीमीटर है बट एच टू तो छोटा माइनस फाइव है, तो मुझे उससे पता चला कि हाँ मेरा ऑब्जेक्ट छोटा है. नाउ माइनस है, एच टू क्या है, एच टू का आंसर है माइनस फाइव. तो माइनस फाइव शोज मी कि ऑब्जेक्ट उल्टा है, इन्वर्टेड है. आई माइनस साइन सो शोज मी इज इन्वर्टेड एंड यू नो रियल एंड इन्वर्टेड आर फ्रेंड्स. तो आई नो इट इज डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड. दिस इज द वे यू गेट द नेचर ऑफ द इमेज. ये जो क्वेश्चन का पार्ट है ना, वॉट विल बी द टाइप ऑफ इमेज एंड वॉट इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये टाइप ऑफ द इमेज यानी ये सब पूछते हैं. तो ये नहीं भूलना है, रियल डिमिनिश्ड एंड रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 7 सेंटीमीटर. ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट तो एच वन. ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 7 सेंटीमीटर. ओके. ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 7 सेंटीमीटर इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर. तो यू कितना दिया है, माइनस भूलना नहीं है, माइनस 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर. द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज, फोकल लेंथ मिरर का कितना है, अभी कॉन्केव मिरर है तो क्या होगा, फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, नेगेटिव इज 15 सेंटीमीटर, माइनस 15 सेंटीमीटर. द फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर. एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस, मतलब वी ढूंढना है टू गेट अ क्लियर इमेज वॉट विल बी द साइज एंड नेचर. साइज और नेचर भी ढूंढना है. चलो एच वन है, एच टू भी ढूंढ लेते हैं. तो एच टू भी बाकी है तो वो भी ढूंढ लेते हैं. सो लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f. तो लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. 1 अपॉन, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, 1/u = 1/-1/u. अब f दिया है, यस माइनस 15 दिया है एंड u दिया है, u यस u भी दिया है. u इज हाउ मच, u इज माइनस 25. माइनस माइनस प्लस हो गया, यस हो गया. तो 1/25 माइनस 1/15 हो गया. एलसीएम निकालो तो इसका क्या आता है, एलसीएम कैसे निकालने का, 25 और 15 का, ये 25 15 है. 5 5 = 25, 5 3 = 15, 5 1 = 5, तो 3 का 3 कॉपी होगा, 3 3 1 = 3. तो 5 5 = 25, 25 3 = 75. तो ये मेरा एलसीएम बन गया. तो 75 इज माई एलसीएम. 25 3 = 75 एंड 15 5 = 75. ओके. ये देखो प्लस साइन किया तो 0 मिलेगा, याद रखने का, माइनस साइन है बीच में. तो 15 5 आई एम शोइंग यू द कॉमन एरर्स, आई डोंट वांट यू टू डू दिस. ओके. 3 - 5 - 2/75. इसको उल्टा करेंगे, 1/v को उल्टा करेंगे इन्वर्टेंडो, तो होगा 75/-2, इट विल कम अराउंड -37.5 सेंटीमीटर. तो आई गॉट माई आंसर एज v = -35.5 सेंटीमीटर. तो स्क्रीन शुड बी से प्लेस एट 35.5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, बिकॉज नेगेटिव साइन है तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर. तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर कैसी होती है, मेरी रियल इमेज होती है और रियल का फ्रेंड कौन है, इन्वर्टेड. तो मेरा आंसर मिल गया, वॉट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज. ओके. नाउ वॉट विल द साइज ऑफ द इमेज, साइज इज 37.5. वॉट विल बी द साइज ऑफ द इमेज, साइज मतलब इमेज का साइज और हाइट पूछा है. तो हाइट यानी मुझे क्या फाइंड करना है, हाइट, हाइट ऑफ द इमेज ढूंढना है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं यहाँ पे, हाइट ऑफ द इमेज ढूंढना है. तो हाइट कैसे ढूंढेंगे, हमारा सेकेंड फॉर्मूला काम में आएगा अभी. चलो वॉट इज माई सेकेंड फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन. तो एच टू ढूंढना है, तो m = h2/h1 = -v/u. अगर इसको लिखते हैं हम प्रॉपरली, वापस लिखते हैं तो कैसे होगा, एच टू ये एच वन इधर चले जाएगा, तो h2 = -v/u (h1). ओके. नाउ माइनस वी, वी कितना है, वी की वैल्यू है, वी की वैल्यू है -37.5, माइनस साइन वापस नहीं भूलना है. यू की वैल्यू भी नेगेटिव है, -25, और मेरा हाइट एच वन 7 दिया है. ये देखो माइनस माइनस प्लस हो गया है, बट एक माइनस अभी भी है. तो 37.5 × 7 करने का वो आएगा 262.5 और -25,
तो दिस आंसर विल बी अराउंड 25 आएगा, -10.5 सेंटीमीटर आएगा। तो क्या मिला मुझे, H2 मिला। ओके, H2 शोज, अभी H1 कितना था, H1 मेरा 7 था, तो मेरा ऑब्जेक्ट था 7 सेंटीमीटर का, बट इमेज का हाइट क्या है, इमेज 10.5 है, तो मेरा इमेज क्या हो गया, एनलार्ज्ड हो गया। ओके, बट ये माइनस साइन ऑफ हाइट, हाइट अगर माइनस साइन में हो मतलब इमेज उल्टा है, तो मेरा हाइट शोज इट इज इन्वर्टेड, तो रियल का फ्रेंड इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड एंड एनलार्ज। एनलार्ज कैसे पता चला, हाइट 7 का है लेकिन इमेज का हाइट तो 10.5 है, बढ़ गया है, तो इट इज इनलार्ज्ड इमेज। ओके, सो ये पूरा आंसर करेक्टली लिखना, इमेज रियल है, इन्वर्टेड है एंड एनलार्ज्ड है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज द वे यू ट्राइड इन एग्जामिनेशन। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। अ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्टिक, लॉन्ग स्टिक यानी ऑब्जेक्ट कितना है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्टिक इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर हैविंग अ फोकल लेंथ, अ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्टिक, सॉरी हाँ लॉन्ग स्टिक है मतलब स्टिक का हाइट दिया है, तो H1 मेरा होगा ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा मेरा 10 सेंटीमीटर। ओके, इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर हैविंग फोकल लेंथ, फोकल लेंथ का कॉन्केव मिरर का नेगेटिव होता है, फोकल लेंथ 10, इन सच अ वे दैट द एंड ऑफ द स्टिक क्लोजेस्ट टू द पोल। अभी इसका मतलब क्या है, ये ना ये है ना, ये पोल है मेरा, तो ये स्टिक का एंड है, एंड ऑफ द स्टिक क्लोजेस्ट टू द पोल मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया, घुमा फिरा के तुमको ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, इज यू नो ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज नेगेटिव, तो -20 सेंटीमीटर। अभी पूछा है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द इमेज, लेंथ ऑफ द इमेज मतलब H2 पूछा है, हाइट पूछा है, हाइट के लिए पहले वी फाइंड करना पड़ेगा हमको। ओके, तो एवरी केस में तुमको वी और H2 फाइंड मोस्टली करना ही होता है, किसी किसी केस में मैग्निफिकेशन भी देते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद अ सम, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला तो यही है, 1/v + 1/u = 1/f। अभी हमको v ढूंढना है तो ये u को इधर लेके जाएंगे तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, 1/f = -1/u। चलो सब्सटीट्यूट करो वैल्यूज में, 1/v = 1/f - 1/u। नाउ v की वैल्यू तो पता नहीं है, f की वैल्यू पता है, f की वैल्यू है -10 और u की वैल्यू है -20। ना माइनस माइनस प्लस हो गया, तो मैं लिखूंगी यहाँ पे = 1/20 - 1/10। अभी इसका एलसीएम क्या होता है, 20 और 10 का 20 होता है, 21 = 20, 10 = 20, 20, तो ये हो गया -1/20। 1/v - 1/20 है, तो v कितना हुआ, v कितना हुआ, सिंपल v मेरा हुआ -20 सेंटीमीटर। ओके, तो v आ गया। अभी मैग्निफिकेशन फॉर्मूला से H2 फाइंड करना है, H2/H1 = -v/u। चलो H2 की वैल्यू पता है नहीं पता है, तो वैसे H2 = -v/u (H1). H1 ऊपर लेके चले गए, सिंपल सब्स्टिट्यूट वैल्यूज, माइनस ऑलरेडी दिया है बट ऑलरेडी वी को भी माइनस है, तो दो माइनस लिखने का यहाँ पे ही गड़बड़ करते हैं, और एक माइनस साइन का गड़बड़ किया कि पूरा आंसर रॉन्ग हो जाता है। सो यू इज -20 × H1 की तरह H1 = 10। ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, ये 21 हो गया, तो माइनस साइन और 10 बचा, तो -10 आएगा सेंटीमीटर, तो मेरा हाइट क्या है 10 सेंटीमीटर, और माइनस साइन बताता है कि इन्वर्टेड है, तो भाई मेरा तो ऑब्जेक्ट का भी हाइट 10 सेंटीमीटर है और इमेज का भी हाइट 10 सेंटीमीटर है, तो ओके, तो इट इज वी शोज वी इज नेगेटिव, इट शोज इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, वी इज नेगेटिव, इट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड एंड यू कैन सी इट इज सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। तो अगर तुमको एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, यू नो कि एक ही रे डायग्राम में सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट होता है एट सी। ओके, नॉर्मली इस टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं आते, बट यू कैन ऑलवेज थिंक अबाउट द पॉसिबिलिटीज, सो आई वुड से द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड।
okay, and same height as the object. Now the fourth sum. Now fourth sum is, it's the last sum. Convex mirror है, convex mirror तो अच्छा है यार, focal length positive है इसका, एक तो minus sign कम हुआ. चलो focal length 18 centimeter है. The image of the object kept in front of the mirror. The image of the object kept in front of the mirror is half the height of object. तो मतलब इमेज का हाइट है ना ऑब्जेक्ट के हाइट का आधा है, तो कहना है राइट कि एच वन का आधा है. बिकॉज उसने क्या बोला है कि इमेज की हाफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो मैंने लिखा चलिए एच वन अपॉन इमेज का आधा, एच वन अपॉन टू. थोड़ा टाइडी कर देती हूँ उसको. एच वन अपॉन टू, ओके. वॉट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, चलो ईजी है तो यू ढूंढना है. ठीक है, अब यू ढूंढने के लिए वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन एफ, एफ तो है बट वी है हमारे पास, वी तो नहीं है तो कैसे वी फाइंड करेंगे. चलो तो उल्टा जाएंगे, पहले एम वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. तो मुझे पता है कि एम इज इक्वल टू एच टू अपॉन एच वन होता है, ओके. बट एच टू की वैल्यू क्या है, एच टू की वैल्यू है एच वन अपॉन टू, और ये नीचे वाला भी एच वन है. एच टू की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट की एच वन अपॉन टू, ओके. नाउ क्या होगा, एच वन एच वन कैंसिल हो गया तो एम क्या बच गया, हाफ, ओके. नाउ आई नो दैट एम इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू. एम की वैल्यू कितनी है, आधा. क्या मेरे पास वी की वैल्यू है, नहीं है. U की वैल्यू है, नहीं है. तो इसको थोड़ा अलग टाइप से सॉल्व करना पड़ेगा. अभी ये है ना इतना, ये माइनस वी अपॉन यू इज इक्वल टू हाफ, ओके. तो इसको क्या कर देते, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते चलो. तो कैन आई राइट दिस एज, सिर्फ V को एक साइड रखो, सिर्फ V को एक साइड रखो, बाकी सब टर्म्स को एक साइड फेंक दो. ये माइनस साइन को भी उधर जाने दो, ठीक है. माइनस वन अपॉन टू, ये U उधर चला गया, U इज इक्वल टू V, ओके. तो मेरी वी की वैल्यू मेरे पास आ गई, ये रखो वन. नाउ हमारा फॉर्मूला वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ. नाउ वी की वैल्यू क्या है, वी की वैल्यू इज, थोड़ा उसको और सिंप्लीफाई कर देते, रुको फॉर इजियर बिट. वन अपॉन टू इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू. तो कैन आई राइट यू, कैन आई राइट वी इज इक्वल टू माइनस यू अपॉन टू इज इक्वल टू वी. ओके, सब टर्म्स एक साइड कर दिए एंड आई हैव जस्ट डन दिस. देयरफॉर वन अपॉन वी इनवर्ट एंडो की ओ इज इक्वल टू माइनस टू अपॉन यू. वी की वैल्यू यू अपॉन टू है, तो वन अपॉन वी की वैल्यू क्या है, उल्टा टू अपॉन वी. क्योंकि यहाँ बिकॉज यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना था इसलिए अभी इसको वन लेते हैं, ठीक है. तो इजी हो जाएगा, वरना बहुत डिफिकल्ट होता था. तो वी वी माई वन अपॉन वी की वैल्यू डायरेक्टली डाल दी यहाँ से, माइनस टू अपॉन यू प्लस वन अपॉन यू की वैल्यू पता नहीं है, और एफ की वैल्यू तो पता है 18. तो देखो यू जो कॉमन है, तो डिनोमिनेटर कॉमन है तो न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हैं. इज इक्वल टू वन अपॉन 18, माइनस टू प्लस वन इज माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन 18. देयरफॉर यू इज इक्वल टू माइनस 18 सेंटीमीटर, ओके. सो गॉट माय यू एज माइनस 18 सेंटीमीटर, ओके. थोड़ा ट्रिकी सम है, ध्यान रखना, ओके. पहले एच टू इज इक्वल टू एच टू इज इक्वल टू एच वन अपॉन टू लेना है, फिर एम से ये वाला वैल्यू फाइंड करके यू टू शो दिस. वंस यू गेट दिस, याद रखना वन अपॉन वी ढूंढना है, वी मत ढूंढो. वन अपॉन वी ढूंढोगे तो वापस इधर डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, एंड यू हैव कॉमन डिनोमिनेटर यू, एंड देन यू गेट योर फाइनल आंसर इज माइनस 18 सेंटीमीटर, ओके. सो विद दिस वी फिनिश ऑल दी एग्जाम्पल्स ऑफ चैप्टर 11 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट.